नमस्कार, दिनभर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुक करते हैं दिनभर की खास खबरों की ओर। पहली खबर में आपको बता दें कि गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के धनकुड़िया पंचायत में ग्रामीण डीलरों की मनमानी के कारण नाखुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से डीलर के द्वारा हम सभी को अनाज, गेहूँ और चावल जिसको 30 किलो मिलना चाहिए उस व्यक्ति को 26 किलो अनाज ही दिया जाता है। और इस बिंदु पर डीलर को बोले जाने पर डीलरों के द्वारा बोला जाता है कि आपको जहां जिसे बोलना है बोल सकते हैं, हम अनाज में कटौती तो करेंगे। दूसरी खबर में आपको बता दें कि संत छविराम ग्रुप ऑफ कॉलेज एजुकेशन कंसल्टेंसी सेंटर का उद्घाटन महगामा के भारतीय स्टेट बैंक के सामने किया गया। वहीं सेंटर के संचालक गौतम जी ने बताया कि बीटी, बीएड, एमएड एवं जीएनएम की पढ़ाई करने वाले इच्छुक स्टूडेंटों को इस डिग्री के लिए अब हमारे सेंटर के माध्यम से ग्वालियर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वो भी एकदम कम फी में और बिना किसी परेशानी के। इस सेंटर के माध्यम से स्थानीय स्टूडेंटों को एडमिशन लेने में काफ़ी सहूलियत होगी। तीसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा के हनवारा क्षेत्र में वीकेंड लॉकडाउन का खासा असर आज देखने को मिला। यहाँ गिने चुने वाहन ही गुजरते नजर आए। लॉकडाउन की सख्ती से अनुपालन कराने के लिए सुबह से ही हनवारा थाना प्रभारी दीपक कुमार सिन्हा के साथ साथ पुलिसकर्मी चहलकदमी करते दिखे। वहीं शाम के समय हनवारा के चौक चौराहे पर पुलिस द्वारा मास्क आदि चेकिंग कर गुजरने वाले वाहन एवं वाहन के चालकों से सवाल जवाब भी किया गया। अगली खबर में आपको बता दें कि आज साहिबगंज मंडरू उपायुक्त के निर्देशानुसार अंचलाधिकारी नरेश कुमार मुंडा के नेतृत्व में मंडरू चेकनाका, मिर्जा चौकी चेकनाका, मिर्जा चौकी उप स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य जगहों पर आरटीपीसीआर के तहत 119, ट्रूनेट के माध्यम से 24 एवं रेड टेस्ट के माध्यम से 63 लोगों का कोरोना जांच किया गया। जानकारी देते हुए सीओ नरेश मुंडा ने बताया कि मंडरू प्रखंड क्षेत्र को कोरोना मुक्त प्रखंड बनाना है। कोरोना जाँच विगत दिनों से लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। अगली खबर में आपको बता दें कि आज मिर्जा चौकी बिहार पीरपैंती थाना अंतर्गत NH 80 शाहबाद पर हुई टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर एक व्यक्ति की मौत। मिली जानकारी के अनुसार मिर्जा चौकी फाटक की तरफ से आ रही टेम्पो व साहेबगंज की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके कारण टेम्पो चालक ने वन साइडेड मोड़ लेते हुए टेम्पो को बचाने की कोशिश की। इस दरमियान टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस पर सवार एक व्यक्ति टेम्पो से नीचे गिर गया और टेम्पो उसके सर के ऊपर चढ़ गई और व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और अंत में आपको बता दें कि दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी भाग में पेयजल की समस्या शुरू से ही विकट हो रही है और गर्मी आते ही लोग पानी के लिए त्राहिमाम करने लगते हैं। गाँव में गिने चुने नलकूप ही ऐसे हैं जो लोगों की प्यास बुझाती है। ऐसे ही एक नलकूप शहरपुर पंचायत की सड़क के बिल्कुल किनारे स्थित है, जिसे पूरे मोहल्ले की प्यास बुझती है। विडंबना यह है कि अभी बरसात के समय में जल जमाव के कारण उक्त नलकूप पूरी तरह जल की समाधि ले चुका है और लोग घुटनों भर पानी के ऊपर से चलकर पेयजल लाने को मजबूर हैं। नए दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ कीजिए शुभारंभ वेडिंग प्लानर। सगाई से लेकर विदाई तक के लिए शुभारंभ वेडिंग प्लानर। कोई भी हो अवसर, हम सुविधा देंगे एक से एक बढ़कर। शादी आपकी जिम्मेदारी हमारी, आप करिए शादी, हम करेंगे तैयारी। शुभारंभ वेडिंग प्लानर, पता प्रोफेसर कॉलोनी। बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।